यू वरी मिस्टर जोजो, आज रात तक ये हथियार देश के कोने कोने में पड़ जाएंगे। कल सुबह शायद आप अखबार में इनके इस्तेमाल की खबर भी पढ़ लेंगे। सर, मैं विजय बोल रहा हूँ। क्या बात है विजय? सर, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि खतरनाक हथियारों से भरी हुई एक कार हाईवे से शहर में दाखिल होने वाली है। गुड न्यूज, फौरन छापा मारो। यस इंस्पेक्टर शर्मा, कार नंबर WBB1236 आपके जोन में आ रही है, उसे रोक लीजिए। ओवर। समझ में नहीं आता कि हथियारों की स्मगलिंग कौन कर रहा है। सर, जहां तक मेरा ख्याल है, हमारी पुलिस के पास लेटेस्ट हथियार होने चाहिए। उन्हें हर किस्म की लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं मिलती। इसी सवाल को हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। उस अखबार की कटिंग इस फाइल में मौजूद है। ओह यस सर, दरअसल बात यह है कि हमारे हथियार बहुत पुराने और आउटडेटेड हो चुके हैं। जब तक हम निशाना लगाते हैं, या तो मुजरिम भाग जाता है या हम पे अटैक कर देता है। हम क्या करें? फिर आपने इसके बारे में क्या सोचा है मिस्टर गुप्ता? सर, एक स्पेशल परमिशन की बिना पर मैंने अपने छोटे भाई विक्रम को बाहर अच्छी ट्रेनिंग के लिए भेजा है। उसकी वापसी पर हमारी पुलिस को भी वैसी ट्रेनिंग दी जा सकेगी। वेरी गुड। ये है उसकी फाइल सर। फिलहाल ये फाइल यहीं छोड़ जाइए। थैंक यू सर। पूसी पूसी कमाल है, हमारी हर खबर पुलिस तक कैसे पहुंच जाती है। धर्मदास, मुझे तो लगता है तुम्हारी गैंग के अंदर कोई पुलिस का कुत्ता है जो रोटी हमारी खाता है और तुम पुलिस के आगे हिलाता है। वफादारी और गद्दारी में जिंदगी और मौत का फर्क होता है। इस फर्क को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। अगर वो गद्दार मेरी गैंग से है तो समझ लो उसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके। धर्मदास, तुम गद्दार को पहचान लोगे, उसे सजा भी दे दोगे, इसका तो हमें पूरा यकीन है। लेकिन कमिश्नर गुप्ता का क्या होगा? वो तो हमारे हलक की हड्डी बनता जा रहा है। घबराओ नहीं रंजीत, उस हड्डी पर पागल कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। अगर कमिश्नर की वर्दी को कफन में नहीं बदल दिया तो मेरा नाम भी कैलाशनाथ नहीं, हमसे टकराना आग से खेलना है।